यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं दिल्ली के सराय काले खां से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के बारे में। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी आज। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जांच एजेंसीज दोनों संदिग्धों से यूपी कनेक्शन और उनके मूवमेंट पर जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। यूपी कनेक्शन, यूपी में क्या कोई और भी इनके साथ है, यूपी में मददगार इनके कौन कौन है, यूपी में क्या किसी तरह की कोई प्लानिंग थी, यूपी में कब से थे, कब तक रहने का, फिर यहां पर क्या क्या सेटअप करने की तैयारी थी, सरीके बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशना चाहेगी इनके इनसे एटीएस। तो आज आतंकी राज उगलेंगे और दोनों ही संदिग्धों से यूपी एटीएस पूछताछ कर सकती है, आज पूछताछ करेगी और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। 17 नवंबर को यानी कि अब से 2 दिन पहले ये गिरफ्तारी हुई दिल्ली के सराय काले खां से ये पकड़े गए। उसके बाद अब यूपी एटीएस स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करने वाली है क्योंकि यूपी में थे ऐसा बताया जा रहा है। तो यूपी एटीएस इनसे पूछताछ करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर पर बलराम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारियां देंगे। बलराम, यूपी एटीएस की टीम क्या दिल्ली पहुंच गए है और दिल्ली पहुंच गए हैं तो कब तक पूछताछ करेगी, क्या क्या वो कौन कौन से सवाल होंगे जो आतंकियों के समक्ष रखे जा सकते हैं, इनसे पूछे जा सकते हैं? देखिए राजू, जब त्योहारों का वक्त चल रहा था तभी खुफिया एजेंसियों ने यह साफ कर दिया था कि कुछ आतंकी संगठन जो है वो सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, वो किसी आतंकी साजिश को रच सकते हैं और यही वजह है कि जो देश की जांच एजेंसियां थी वो हाई अलर्ट पे थी और यही वजह है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध जैसे मोहम्मद के आतंकियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके बाद उनके मूवमेंट कहां कहां रहे, क्या चीज़ें उन्होंने अब तक कलेक्ट की हैं एनसीआर से, उसको लेकर के उन्हें रिमांड पे लिया गया है 3 दिवसीय और आज उनसे पूछताछ करेगी दिल्ली स्पेशल सेल और यही वजह है कि यूपी एटीएस भी आज उनके साथ पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार उनके दिल्ली मूवमेंट से पहले क्या उत्तर प्रदेश में किन्हीं जिलों में मूवमेंट था और अगर था तो वो वहां पर क्या क्या कर रहे थे। कई ऐसे सवाल हैं जो आज यूपी एटीएस इन दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगा, लेकिन हम आपको पॉइंटर्स अगर बताएं कि किन बिंदुओं पर यूपी एटीएस सबसे ज्यादा पूछताछ कर सकती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद की, तो 1994 में जब उसको छुड़ाने की साजिश रची गई थी तो कहीं ना कहीं सहारनपुर का भी नाम उस साजिश में शामिल हुआ था कि वहां से भी साजिश रची गई थी, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन है जैसे मोहम्मद से उस पर भी यूपी एटीएस बात करेगी। साथ ही इन दोनों आतंकियों के पास यानी अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ के पास जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें लगभग 150 नंबर सेफ हैं जिसमें से 35 से ज्यादा नंबर पाकिस्तानी लोगों के हैं और उसमें कई जैसे मोहम्मद के जो आतंकी हैं उनके नंबर सेफ हैं। तो अब इन आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है इस पर भी जांच की जा रही है और यही वजह है कि इन दोनों के जो फोन है उनको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि सच्चाई सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा एबीपी गंगा करने जा रहा है राजीव, अपने दर्शकों को बताने जा रहा है कि आखिरकार इनका यूपी कनेक्शन क्या है, तो इनके पास सोशल मीडिया के जरिए कुछ फोटोग्राफ्स कानपुर के आए हैं जिसको लेकर के ये जांच की जा रही है कि आखिरकार जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनके पास कुछ फोटोग्राफ्स भेजे गए हैं वो किसके हैं। शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि जो सोशल मीडिया पे अकाउंट बना है वो महिलाओं के नाम से बना है और यही वजह है कि अब दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस इनसे जानकारी लेगी कि वो कौन महिलाएं हैं या वो एक आईडी बनाई गई है। इस पर भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें उजागर हो सकते हैं, राज खुल सकते हैं और इस खबर पर नजर बने हुए से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स आएंगी हम आपके समक्ष रखेंगे।